हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ और लिबर्टी के बारे में। अगर हम इन दोनों चीजों में एक बैलेंस देखें या एक चीज देखें, वो हमें ये नोटिस करने को मिलेगी कि लॉ एक सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, वही लिबर्टी उसका बिल्कुल अपोजिट, जो कि हमारे पास एक फ्रीडम होती है, वो होती है। लॉज कहीं ना कहीं उस फ्रीडम को रोकते हैं और वो फ्रीडम का जो हमारा राइट है, वो कहीं ना कहीं उस लॉ से थोड़ी लिमिट क्रॉस करता है। तो इसी तरीके से कैसे इन दोनों में बैलेंस बना रहता है, ये नेशन के लिए क्या, नेशन में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ये दोनों फैक्टर्स, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि लिबर्टी और लॉ जो कि दो अपोजिट फोर्सेस हैं, और जो लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट करता है लिबर्टी को और लिबर्टी कंटिन्यू पुश करती है लॉ की बाउंड्रीज को। हमने ये चीज देखी, मैंने ये चीज आपको फर्स्ट स्टेप में बताई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉ और लिबर्टी कहीं ना कहीं एक थिन लाइन पे इंटरसेक्ट जरूर करते हैं। जैसे कि ये एक वेन डायग्राम है, कुछ जो मैथ्स पढ़ चुके होंगे या कुछ जो कॉमर्स के या नॉन मेड के स्टूडेंट होंगे या जिनके पास मैथ्स रही होगी, उनको पता है ये वेन डायग्राम क्या होते हैं। जब दो कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं या कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्लैश करती है, एक दूसरे के आसपास रहती हैं, सेम होती हैं, तो उस चीज में एक वेन डायग्राम के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो कि है ये शेडेड एरिया। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है कि वो होती है एक फैक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल होता है किसी की लाइफ को, बट ऑन दी सेम हैंड वो कंट्रोल किससे लिंक्ड होता है, फंडामेंटल पर्पसेस से लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मौलिक अधिकार है कि मैं अपना जीवन जी सकती हूँ, ठीक है। अब कोई और आके मेरा मर्डर कर दे तो वो एक फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन यू कैन इमेजिन दैट थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होगा कि अब मेरे पास जीने का अधिकार है, तो एक लॉ गवर्नमेंट बना देगी कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो वो एक गलत चीज है। तो कहीं ना कहीं लिबर्टी को बचाने के लिए लॉ बना दिए गए, इस चीज को हम एक पॉजिटिव वे में देखेंगे। और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है कि किसी भी एक्शन पे कोई भी लॉ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज होगी, क्योंकि ये नेगेटिव या एक रॉन्ग एलिमेंट्स को प्रमोट करेगा हमारी सोसाइटी में, ओके। अब अगर हम बात करें लॉ, लिबर्टी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लिबर्टी जो है वो एक की फैक्टर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इवन प्रियम्बल हम सभी को पता है, माना जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें भी बोला गया है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव और दे कैन एंजॉय द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इसी के रिगार्डिंग में लिबर्टी को एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाता है एक इंडिविजुअल का, ठीक है, जो कि हम आर्टिकल 21 में देख सकते हैं, ओके। वही अगर हम बात करें लॉ और लिबर्टी और ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया लॉ क्या है, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो कहीं ना कहीं लिबर्टी को बचाने के लिए ही या उसके फंडामेंटल पर्पस को सेव करने के लिए बनते हैं। और वही कहीं ना कहीं लिबर्टी क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रीडम्स गिवन होती है हमारे अपने पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल के लिए, जो कहीं ना कहीं लॉ की बाउंड्रीज को भी पुश करती है। अब लिबर्टी और लॉ के बीच हमने ये दो चीजें तो देखी, बट कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है लिबर्टी को, ठीक है, इन सम ऑन दी अदर वे हमारे इस सोसाइटी में। और ये जो आइडिया है लिबर्टी और ये जो कंसेप्शन है लॉ का, तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लॉज बनाए क्यों जाते हैं, ताकि एक लिबर्टी एक लिमिटेड तक, एक अच्छे एक्सटेंट तक सेव करके रखी जा सके। तो यही जगह है जहाँ पे दोनों इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हाउ कैन अ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी बी रिजॉल्व, अगर इन दोनों में कोई हम ये कहेंगे कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चीज इसमें क्या होगी, इसमें फर्स्ट चीज ये होगी कि हमारे पास ना एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो उस डॉक्ट्राइन में क्या बोला गया है कि लेजिटिमेट स्टेट एम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो प्रपोज की जाएगी स्टेट कैन नॉट बी आर्बिट्री और इट शुड बी बेस्ड ऑन द लेजिटिमेट स्टेट एम। लेजिटिमेट का मतलब होता है अलाउड बाय द लॉ, ओके। तो लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए कि जो हमें जो लिबर्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए वो लॉ के अंडर ही प्रोवाइड की जाए, लॉ के अंदर अलाउ होनी चाहिए वो, ठीक है। वही दूसरी तरफ क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो नीड्स होती हैं वो रैशनल होती हैं बिटवीन द लिबर्टी, हम चाहते हैं
जैसे एक ह्यूमन नेचर है, जितना हो उतना कम है, तो वही कहीं ना कहीं ये चीज एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करती है कि उस चीज को एक लिमिटेड तक रखा जाए, ना कि फ्रीडम भी ऐसी दे जाए कि वो बिल्कुल ही सब चीजें खराब कर दे। वही लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस प्रपोज की जाए, बट जो प्रपोज की जाए वो स्ट्रिक्ट वे में की जाए, और बैलेंस बिटवीन द रिस्ट्रिक्शन एंड ओवरऑल बेनिफिट एक बैलेंस को मेंटेन करके रखा जाए लेजिस्लेचर के अंदर। अब कई बार क्या होता है, एक कंट्री जो होती है वो एक कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी जो है उसको कर देती है, तो हम ये देखते हैं कि उसका मेन एम क्या होता है। फॉर एग्जांपल वॉर हुआ जिससे एक लेजिटिमेट एम प्रोवाइड हुआ, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड रिस्ट्रिक्शन एंड द एम हैव अ रिलेशनशिप। जो रिस्ट्रिक्शंस है और जो रिलेशनशिप और जो एम रखा गया है उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो वही हम ये कह सकते हैं कि हमें एक एग्जामिन करना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी पे क्या लग रही हैं और वो किस तरीके से एक प्रोपोर्शनेट वे में देखी जा सकती हैं। वही अगर हम बात करें, डज द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इफ यस देन हाउ? ऑब्वियसली कि अगर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस को जरूर इम्पैक्ट करेगी। कैसे? कि हम देख सकते हैं कि लिबर्टी और लॉ जो है वो कोर प्रिविलेंट है हमारे एथिकल सोसाइटी का, ठीक है। हमारा कोर यही है कि हमारे पास कुछ आजादियां हैं और उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उन आजादियों को बचाए रखने के लिए, उन चीजों का फंडामेंटल हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पाथवे का वो काफी ज्यादा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी के अंडर आके हम अपने एक्शंस को डिफाइन करते हैं, राइट। और एक जो सिविल सोसाइटी है उसमें एक निगरानी रखनी जरूरी है हमारी जो लिबर्टीज है उस पर, वरना क्या होगा, खुलेआम कत्ल होंगे, खुलेआम लोग जो चाहे वो कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक विजिलेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब कि इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो उसी के बाद ही लोग देख पाएंगे कि हाँ क्या उनके लिए बेहतर है और क्या उनके लिए बुरा है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो व्हाट आर दी पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ लॉ दैट कैन बी एक्सरसाइज ऑन लिबर्टी। सबसे पहले क्या हो, एक बैलेंस होना चाहिए एक लिबर्टी पे और कलेक्टिव नीड्स पे। ये ना हो कि हम अपने नीड्स को इतना ज्यादा एक अलग लेवल पे ले जाए कि कोई भी अगर हमारे ऊपर लॉ इम्पोज हो रहा है तो वो हमें ऐसे लगे कि वो हमारा दम घोट रहा है, हमसे हमारी लिबर्टी छीन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज को बचाने के लिए हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या था कि हमारे कुछ बेसिक राइट्स होंगे, जैसे कि हम अपने फ्रीडम एक्सप्रेशन कर सकते, हम अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास राइट है कि हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि 6 हैं, ठीक है। तो उसी चीज में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लिबर्टी में हिंड्रेंस क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर, बट मेन की इतना सबका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं एक लिबर्टी को उस एक्सटेंड तक रखना चाहिए जब तक वो हमारी भलाई करे, ना कि हमारे लिए गलत। अब अगर हम बात करें व्हाट कैन हैव वी डन सच अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को मिटाना ही कैसे होगा कि लॉ और लिबर्टी के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल की इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों को पता हो उनके लिए अच्छा क्या और उनके लिए बुरा क्या है। इसके अलावा लॉज को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 377 जो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट था, कहीं ना कहीं उस चीज को बाद में एक ह्यूमन वे में अगर हम देखें तो उस चीज को बाद में एक्सेप्टेंस मिली, जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं एक इनह्यूमन वे में जा रहा था। तो यही हम बात करेंगे कि लॉज को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। इसके अलावा लोगों में भी समझ होनी चाहिए उस चीज को एक्सेप्ट करने की। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अनलिमिटेड लिबर्टी दे देंगे या गलत वे में हम सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देंगे। नहीं, हमें एक लॉन्ग टर्म और अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए लॉज बनाने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी लिबर्टी की नीड्स और या फिर हम लिबर्टीज की बाउंड्रीज को डिफाइन करना चाहिए। सो होप यू गाइस लाइक डिट, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।